siento. पाबंदी नहीं है, ईश्वर है। जो दुख का भगत है, भगत शब्द का अर्थ वही होता है। आप उनको ही दर्शन करके आ सकते हैं, आनंद भूख लेके आइए। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, फाइनली यही वो स्टैचू है जिसके लिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। पालक का सब्जी है, आलू पालक है, ये दाल है, 125 अच्छा। ट्रिप की शुरुआत होती है बोरोली के गोराई जेटी से, जहाँ से हमने बोट लेकर, यहाँ पे आप गाड़ी भी लगा सकते हो टू व्हीलर, वहाँ से हमने बोट डालकर जो ये सफर शुरू किया इस खूबसूरत नज़ारा को देखते हुए। सामने जो आपको दिख रहा है ये वही फेमस बोरोली का फेमस पगोड़ा है। ये जो सफर था लगभग मुश्किल से 2 से 3 मिनट का था, जो बस यहाँ से उस तरफ हमें क्रॉस कराता है। अगर आप एक और रूट पकड़े तो वो भाईंदर से होकर है, जो आपको लॉन्ग पड़ेगा, ये आपको नजदीक पड़ेगा गोराई जेटी। जेटी से 15 या 20 मिनट की दूरी पे लगभग ये आश्रम जो है वो स्थित है। आश्रम के पहले हमने सोचा कि यहाँ पे एक खूबसूरत सा व्यू है, जस्ट आश्रम के पहले एक राइड आता है वहाँ पे हमने लिया, ताकि यहाँ का हम लोग नजारा देख सके। काफी खूबसूरत सा व्यू, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आप दूर से देख रहे हो ये खूबसूरत सा जो नज़ारा है, ये पूरा मुंबई का है, और उस बीच आपको छोटा सा जो रिवर। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट बाजू में। यहाँ पे हमें खूबसूरत सा खाई देखने मिला, तो जो पीछे ना यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। अब हम लोग फाइनली मंदिर की तरफ बढ़ रहे, जो मेन है पूरी और मैंने मिल के यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेमेटिक शूट्स किए, आपको वीडियो में देखने मिलेंगे। गाड़ी बंद कर रहा हूँ, पेट्रोल बचाना क्योंकि पेट्रोल लग गया, और आसपास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। काय टाइमिंग काय दादा इथे? काय टाइमिंग आहे बघण्याला पाबंदी नाही, त्या इच्छेनुसार बघू भाई। आप हिंदी में कम्फर्टेबल है? हाँ, हिंदी तो देखने के लिए पाबंदी नहीं है, ईश्वर है। जो दुख का भगत है, भगत शब्द का अर्थ वही होता है। आप उनको ही दर्शन करके आ सकते हैं, आनंद मुख लेके आइए। मुख मुख छोकड़ा मुकड़ा। ओके ओके, मुख बोला तो तुम यही। सुबह कितने बजे चालू होगा? सवेरे 8:15 से लेके यार, उसके पहले भी आके देख सकते। अच्छा, मेरा ड्यूटी 8 से 8:00, उसके पहले भी आप आके देख सकते। और शाम को कितने बजे बंद होता है सब? ऐसा पाबंदी नहीं, आप आके कितना भी आके देख ऐसे 10, 10:30, 11 नहीं इतना भाई नहीं। अच्छा। क्योंकि 8, 8:30 बजे सब लाइट जाते हैं, तभी इतना बड़े बड़े। तो अंधेरा होने से पहले निकल जाना बेटर है। वेलकम माय फैमिली मेंबर, आइए आनंद से आइए आप। थैंक यू अंकल, वेलकम। अभी जो आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे घी पापड़ और सारे अचार जो है वो नेचुरली यहाँ के अंदर के बने हुए चीज़ आपको मिलेंगे।
एंट्री करते आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक विशाल हॉल जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो, जहाँ पे सारे भोजन और जो भी एक्टिविटीज है फेस्टिवल वगैरह में उसके अंदर किए जाते हैं। और इसी के जस्ट बाजू में है वो फेमस मृत्युंजय धाम। फाइनली हमें जिस चीज का जो इंतजार था, जो यहाँ का भाईंदर का फेमस जो शंकर भगवान का जो स्टैचू है जो काफी दिनों से वायरल है, वहाँ पे हम लोग आखिर पहुंचे गए। तो आप जो मेरे जस्ट पीछे जो देख रहे ये वही लोकेशन है द वायरल स्पॉट। तो मैं आपको यहाँ के जगह के बारे में बताऊँ तो ये एक वृद्ध आश्रम के अंदर है, जिसके बारे में आपको और डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन जो ये जो रास्ता है यहाँ पर आना काफ़ी स्मूथ एंड पूरा जंगल के थ्रू हम लोग आए, काफ़ी पीसफुल रास्ता रहा। अब मैं आपको अंदर का मंदिर दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं आपका कीर्तन कांचन त्रिके यात्री चैनल से। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो फाइनली यही वो स्टैचू है जिसके लिए हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जो मृत्युंजय धाम है ये यहाँ का फेमस लोकेशन है। तो जैसे मैं आपको बताया, एक बार मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो शंकर भगवान जो मंत्र है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं मृत्युंजय मंत्र है जो सबसे मेन है शंकर भगवान का। इसके जस्ट पीछे जो है शंकराचार्य का मूर्ति, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप ये मूर्ति देख रहे हो ये शंकराचार्य का मूर्ति है। इसके भी जस्ट पीछे आप देखो यहाँ पे खूबसूरत सा बैठने के लिए यहाँ पे जगह है, काफी पीसफुल है। ओ वाव, यहाँ पे भी कुछ लोटस बने हुए। लोटस तो नहीं बने फिलहाल। यहाँ पे आने के लिए अगर मैं आपको जगह के बारे में बताऊँ तो हमने यहाँ पे गोराई जो जेट्टी है बोरीवली का, मुंबई से मैं आपको बता रहा हूँ, तो बोरीवली से हमने गोराई जेट्टी का जो है गाड़ी वहाँ से लिया। वहाँ पे हमने बाइक को जो गाड़ी में डाला, फिर वहाँ से कुछ 15 या 20 मिनट पे गोराई जेट्टी से यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें लगा है। ज़्यादा दूरी पे नहीं है, भाईंदर के मेन लोकेशन में ही। काफ़ी सुकून भरा जगह है ना। हाँ, पीसफुल है चारों तरफ। ये जो आप सामने जो शंकर भगवान देख रहे जस्ट इसके ऑपोजिट में सब बैठने के लिए सीट रखे हुए, हम लोग वहाँ पर भी बैठे शांति से। कैसा लग रहा है? एकदम सुकून, बहुत मस्त लग रहा है। हाँ, अब तक का बेस्ट जगह है ये। हाँ, मैं अभी तक जितना विजिट किया पीस है ना। यहाँ पे किसी का कोई शोर शराबा है मुंबई में जैसे बहुत के बीच में रहते हैं हम, प्रॉब्लम बराबर। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सुकून है। मैं भी चाहूँ आपको यही बोलना चाहूँ कि आप यहाँ पे शांति बनाए रखें, क्योंकि ऑलरेडी पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड एज वाले यहाँ पे रहते हैं तो आप भी शांति से रहे और इनको भी शांति से रहने दीजिए। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। अभी जैसे आपने मेरे पीछे देखा ये खूबसूरत शंकर भगवान को जो व्यू है, इसके सामने जाने के लिए सीढ़ी है, इसके जस्ट पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक नंदी महल है खूबसूरत सा। इसके पीछे ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये मंदिर है, यहाँ पे भी आप दर्शन ज़रूर लेके जाना।
इस आश्रम का जो आसपास का वाइब है वो काफी पीसफुल था और काफी शांति भरा हुआ माहौल था। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मंदिर है, उसके जस्ट ऑपोजिट में जो यहाँ पे एक आश्रम के ठीक सामने खूबसूरत सा मैदान है जहाँ पे आश्रम के लोग अपना वक्त बिताते हैं खूबसूरत। अब हम एंटर करने जा रहे हैं यहाँ पे जो एक और जो शंकर भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर। ये जो मंदिर है लगभग 2007 को इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। काफी पीसफुल सा वाइब था। हमने इसके अंदर आकर यहाँ पे कुछ महादेव के मंत्र पढ़े और साथ ही साथ यहाँ पे जलाभिषेक भी किया शंकर भगवान का। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो हमने जस्ट अभी बालेश्वर मंदिर जो है वो कवर किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या क्या देखने जैसा। पीछे देख रहे हो यहाँ पे जस्ट पीछे गौशाला है जो यहाँ के जो आश्रम के अंदर बहुत सारे गाय भी रखे गए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये जो गाय कहाँ से आया हुआ है, कौन सा ब्रीड है? गीरा गाय का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जितने भी सब प्रोडक्शन में जाते हैं कि क्या घी बनाते हैं, अगर प्योर घी यहाँ पे मिलता है ना, सुना है यहाँ पे। अच्छा वो कहाँ पे मिलेगा? नीचे दुकान है ना, वहाँ पे घी मिलेगा ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। डालेगा ये बनाना रेड फिर डालना। चप्पल पहनू की निकाल तो हम अभी आपको गाय का चारा देने जा रहा चला। सब सब एक्टिव हो गए। आया तू भी दे रहा आया। सब तो देगा। इधर देख आप बच्चा है, देख छोटा था। आजा अभी आप मेरे पीछे देख रहे वहां पर आपको एक छोटा सा गाय का बच्चा देखने देखने मिले। वो देखा देख नीचे है वो पीछे। मैं कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह हमने गायों को घास खिला और साथ ही साथ जो पीछे देख रही है उनका घोड़ा होने उनके खाने की चीजें यहाँ पे रखे गए। गुस्सा कर रहा था क्या? गाय को चारा खिलाने के बाद यहाँ पे हम लोग जो दूसरा अट्रैक्शन वहाँ के तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ का जो फार्म है वहाँ पे सारे जो यहाँ पे जो खाना जो खिलाए जाते हैं वेजिटेबल्स वो सारे यहीं पे बनते हैं रविवासियों के लिए, जो हमने काफी पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल में आपको बताते इस वीडियो में। दो महीने से चल रहा है भिंडी, सब निवासी हमारे 125 निवासी है, तो इनके लिए सबके लिए ताजा सब्जी जैसे तुरंत लगता है ना, जैसे भिंडी है, बोपला है, दूधी है, तूरिया है, करेला है, तो करेला ज्यादा इनको खिलाते क्योंकि शुगर पेशेंट ज्यादा है, तो उनसे उनको थोड़ा सेहत के लिए फायदा हो। आजकल हर घर पे शुगर हाँ ज्यादा है, तो हम इनको क्या करेले की सब्जी थोड़ा ज्यादा खिलाते, हफ्ते में 2 बार खिलाते। बहुत अच्छी बात है, तो इनकी सेहत इधर आने के बाद अच्छी होती है, घर के घर से अच्छा इधर अच्छा इनको लगता भी है। और ये बैंगन लगा है। अच्छा बैंगन अभी आए नहीं छोटे, अभी आएंगे, ये अभी लगाए थे 20 दिन पहले, दोबारा आएंगे हम। आप दोबारा आना, और वो नया बोपला वापस लगाया ये पौधा। अच्छा तो 1.5 महीने बाद वापस इसको बोपला, वो बड़े बड़े 10-10 किलो के बोपले लगते हैं, 10-10 किलो के बोपले जी जी। ये नया बोपला के पौधे हैं, तो ये बड़ा होंगे उधर तक जाएंगे भैया। अरे वो बेल हो रही है ना लंबी, हाँ उधर तक जाएंगे, फिर एक एक बोपले अगर पौधे इसके फल लगेंगे 10-10 किलो के लगे। ये बादाम का पेड़ सिर्फ इसके लिए होगा, छाव के लिए? छाव के लिए रखा है, निवासी कोई भी हमारे अभी हाउस कीपिंग वाले लड़के गार्डन वाले
तो जैसे जिसको जैसे अच्छा लगता है वो खाते भी है, सूखने के बाद अच्छा भी लगता है। हम भी खाते हैं, कैंटीन के लड़के भी खाते हैं। ये पीछे नारियल का भी झाड़ लगता है? हाँ, नीचे नीचे है वो। हाँ, ये पपैया है। हाँ, आधा पपैया तो रेडी भी है। हाँ, एक एक रेडी है। ताड़ गोला भी है। हाँ, वो ताड़ गोले के पेड़ वो पीछे है ना, सब ताड़ गोले के पेड़। हाँ, इधर ऐसा गांव के जैसा लगता है। लेकिन वो कितना सारा ताड़ गोला लगा उधर, किसी ने तोड़ा ही नहीं लगा। नहीं, वो तोड़ने वाला आता नहीं ना, आता है तो वो उधर ना ऊंचे का हमारे से नहीं चढ़ा जाता है। हाँ, ताड़ गोला वाला आता है ना तो वो लेके जाता है, आधा हमारे को भी देता है, आधा बोले। तो अभी आता नहीं, आया नहीं इस सीजन में, तो ऐसे नीचे गिर के खराब होके गिर गया। और गाय को घास भी यहीं से आता है क्या, आप खरीद के लेके आते? नहीं, ज्यादा तो नहीं आता है हमारे इधर से, थोड़ा कभी कभी लगा तो हम इधर से ले लेते, वरना बाहर से ज्यादा। मतलब पूरा घास जो भी आप बाहर से खरीदते हो? हाँ, कभी कभी सिर्फ जरूरत पड़ने पे आप यहाँ से लेते? यहाँ से लेते, इतना जगह नहीं है ना, और गाय हमारी 15-20 से ज्यादा है। ये भिंडी है, ये अभी ये खत्म होगी तो ये चालू हो जाएगी, फिर इधर से तोड़ के इनको खिलाएंगे। ये हमारे सर जी ने, योगेंद्र जी, राजप्रिया जी हमारे आश्रम के, उन्होंने ये जगह निकाल के दी, हमारा तुम इधर सब्जी लगाना अपने निवासियों के लिए। सारे सब्जी यहीं से होते? जी जी, हमारे हमारे सर बहुत अच्छे हैं, कि हम उनको जो रिक्वेस्ट करते हैं ना वो हमारी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, और निवासियों के लिए तो कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं जी जी। अरे केले का भी झाड़ है? हाँ, एक केले। केला फिलहाल नहीं है लगता, बना नहीं। नहीं, अभी बारिश ज्यादा आ रही ना। हाँ, उसके जो फल आते हैं ना, वो फूल आते हैं ना। हाँ, वो ये गिर जाते, टिकते नहीं है बारिश में। कड़ी पत्ता का? अरे हाँ ना, सब्जी में जो यूज होता है। हाँ, ये कड़ी पत्ता, ये तो छोटा आपके पास एक और? ये अभी हमने 3 महीने पहले लगाया। अच्छा, सिर्फ 3 महीने में इतना अच्छा हुआ? ये मिर्ची है, ये मिर्ची लगाया था, ये कम से कम 7-8 महीना चली, निवासियों को खिलाते थे, और ये भी क्या खराब हो गई, अभी इधर नया लगाएंगे वापस। ये करेला लगा है हमारा, ताजा ताजा सब्जी सब निवासियों को खिलाते हैं। अंधेरा हो गया ना थोड़ा, कम दिखेगा? हाँ, कम दिखेगा, लाइट हो गए। ये नया निकल, ये 4-5 दिन में निकलता है एक बार। हाँ, छोटे ये छोटे हैं, एक दिन तोड़े थे 2-3 दिन पहले, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ, ये थोड़े थे 2-3 दिन पहले, अभी 2-3 दिन में वापस बड़े हो जाएंगे, तो हम हफ्ते में 2 बार निवासियों को करेले की सब्जी खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी रहती है करेले। हाँ, भले कड़वा। हाँ, कड़वा नहीं, अच्छा भी लगता है, वो पसंद भी करते, वो बोलते भी हमारे करेले की सब्जी ज्यादा खिला। मम्मी भी फ्राई बनाती है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, उसके आगे भी वो आम के पेड़ आ गए जी, अभी आम के पेड़ तो बारिश आ रही है, बारिश से गिर गया था ये। हाँ, वरना ऐसे ही था पूरा बढ़िया। के बाद जो है हमारी एंट्री होती है यहाँ का जो आश्रम का जो मेस है उसके अंदर। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई कि आगे आश्रम में खाना कैसे खिलाया जाता है, क्या क्या टाइमिंग से इनके, और कैसे खाना खिलाया जाता है, कितना हाइजीन यहाँ पे मेंटेन किया गया, वो तो आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हो दोस्तों। और ये है वो खाने का मेस जहाँ पे बराबर 7 o'clock का भी जस्ट खाना जो वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग तब तक जल्दी से जल्दी यहाँ से शूट करके यहाँ से निकल जाएंगे ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना हो। ये हमारे दादाजी हैं। अच्छा, इन्होंने ये आश्रम का निर्माण किया था जी। ये हमारे दादाजी, ये दादी जी, इनका नाम, इनका इनका योगेंद्र जी है, योगेंद्र जी राजप्रिया, और ये माता जी दादी जी हमारे, और अभी इनके सुपुत्र। अच्छा, आपने बेटा किशन गोपाल जी, इनका नाम किशन गोपाल जी है, और अभी जो चला रहे हैं इनके सुपुत्र योगेंद्र जी राजपुर, योगेंद्र जी राज, और उनकी पत्नी दिव्या जी, दोनों संभाल। अच्छा, बहुत अच्छे से सब निवासियों का अच्छा ख्याल। ये खाना बनाया हमने, वो पपैया का कचुम्बर बनाया, ये पालक का सब्जी है, आलू पालक है, ये दाल है,
दाल है, चावल है, स्वीट भी बनता है, दिन में बनता है, एक ही टाइम स्वीट खिलाते हैं दोपहर को। हाँ ये रोटी, अभी चपाती, ये चपाती, ये रोटी मशीन में बना है? नहीं नहीं हाथ से बना, हाँ सब आता ना सब तो बना, हाँ नहीं अभी लड़के लड़के काम के लिए भाई लोग हाँ बनाते हैं, वो मैं महाराज हूँ हमें कैंटीन, ये पूरा कैंटीन का मैं संभालता हूँ, सर ने मेरे को सेवा का काम दिया कैंटीन का, वो लड़का राशन पानी सब ये लेके आते सर जैसे बोलते वैसे लेके आते, और सब लड़के सब आठ दस लड़के कैंटीन के लिए काम करने के लिए, पांच छह लड़के गार्डन के लिए, और सात आठ जन हाउस कीपिंग है जो इनके कपड़े धोते हैं और इनकी साफ सफाई सब रूम साफ तो सब देखते हैं, सब निवासियों खाली उनको नाना रहता है, दोना रहता है, और एकदम रेडी होके नाश्ते के टाइम नाश्ता करने आए और खाने के टाइम खाना, सुबह छः बजे चाय देते हैं इनको रूम में, साढ़े आठ बजे चाय नाश्ता इधर कैंटीन में देते हैं, और फिर साढ़े बारह बजे खाना देते हैं, खाने में ऐसे सब्जी दाल कठोर ऐसे रहते हैं, फूल भी रहता है, मिठाई भी रहती है, फिर चार बजे चाय बिस्किट रूम पे देते हैं, फिर साढ़े सात बजे इधर खाना चालू होता है हो जाता है, और साढ़े आठ बजे सबको रूम पे दूध देते हैं। और यहाँ पर बर्थडे मना रहा है, कम से कम महीने में 20 दिन तो इधर आती है, क्या पे करना रहेगा अगर किसी को सेलिब्रेट करना रहेगा? यहाँ पे जैसे नॉर्मल चार्ज रखा है इनका, पूरा जो खाना रहता है हमारे तो उनको 3100 रुपये चार्ज रखा है ओके। उनकी तरफ से जो खाना ले जाता है, और वो बड़े जो पूरा परिवार जो आते हैं वो भी इधर खाना उनके साथ में इधर सेलिब्रेट करते हैं सब साथ में मिलके। छोटे जाते कितने है हमारे इधर? अभी 125 है, 125 निवासी है, लेडीज और जेंट्स। अच्छा चलो थैंक यू, 3100 रुपये खाने का रहता है हमारे, हाँ 50 रुपये नॉर्मल खाने का, 50 रुपये लेते, 50 रात को भी 50, खाने का नाश्ते का 20 रुपये लेते, हाँ खाने में एक सब्जी दाल कठोर चावल सलाद अचार छाछ और मिठाई रहती, मिठाई भी देते 50 रुपये जी हमारे सर, हाँ पूरा खाना पेट भर के खा सकते हमारे सर जी, क्या उनकी तरफ से जो ज़्यादा कॉस्ट होता तो वो दे देते दे, परंतु गेस्ट से ज़्यादा नहीं नहीं देते दे। हाँ क्योंकि ये टाइम में 50 रुपये में आपको भी मालूम कुछ नहीं मिल सकता, हाँ तभी सर जी बोलते हैं नहीं 50 रुपये लोग नाश्ते में खर्चा करते हैं 50, हाँ नाश्ते में 50 रुपये और नाश्ते का 20 रुपये ही रखा, हाँ 20 रुपये चाय नाश्ता 20 सुबह 8:30 टाइमिंग, तो 8:30 चाय नाश्ता चालू हो जाता है और 12:30 बजे दिन में खाना खाने और उससे पहले आ जाओ, क्या कि टाइम पे हमारे को इनका पहले देखना रहता है, क्या कि इनका गोली दवाई टाइम पे लेते हैं, इसके लिए इनको टाइम पे खाना देना रहता है, इनका फ्री होने के बाद गेस्ट का चालू कर देते हैं, और जल्दी खाना चाहते हैं तो पहले आधे घंटे एक घंटे पहले इनका चालू, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, थैंक यू सर, तो फाइनली गाइस हमने इस आश्रम के बारे में काफ़ी कुछ जाना और हमें काफ़ी यहाँ पे पीसफुल लगा, काफ़ी पीस सा नेचर था। मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर आप भी आ रहे हो तो काफ़ी शांति बनाए रखना, और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हो सके तो उनके लिए कुछ सेवा करना, और कुछ हो सके तो डोनेशन ज़रूर करना। और यहाँ का अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊँ तो 6:30 तक अभी हो चुका है, 7 होने आई आश्रम पूरी तरह से बंद हो चुका है, सुबह 8 बजे कुछ ये खुलता है, और बीच में जो लंच टाइम है वहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना है। तो ये था आज का जो बाइंदर में स्थित है फेमस आश्रम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उत्तन के जो नियर बाय है, यहाँ पर हम आपको मैं काफ़ी डिटेल दिया, आशा करता हूँ आपको ये जगह के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिल चुका होगा,
अगर आपको आगे यहाँ पे आना है तो मुझे जरूर DM कीजिएगा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो। हमने यहाँ का जो मेन पर्सन है उनका नंबर भी लिया है ताकि आगे आपको कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना हो तो भी आप इस वृद्धाश्रम में कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।